नमस्ते बच्चों, पहला जो एकांकी आपने पढ़ा था वो डॉक्टर राजकुमार वर्मा का एकांकी था, उत्सर्ग एकांकी। आज हम दूसरा एकांकी पढ़ेंगे, वो डॉक्टर उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी है। अश्क का नाम एकांकी साहित्य में, हिंदी साहित्य के एकांकी लेखन में काफ़ी प्रमुख रहा है, और इन्होंने जो एकांकी लिखे हैं इनके एकांकी नाटकीयता और अभिनेता की दृष्टि से स्टेज के ऊपर बहुत अच्छे से अभिनीत किए जा सकते हैं। इनके एकांकियों में संकलन त्रय का जो एक गुण होता है उसका पूरी तरह से निर्वाह हुआ है। इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है और व्यंग हास्य के सफल प्रयोग इन्होंने किए हैं। इनके एकांकियों में जीवन के संघर्ष और अंतर्द्वंद्वों का पूरी तरह चित्रण हुआ है। अश्क निजी जीवन और दैनिक जीवन, इनमें होने वाली उठापटक और इनसे जो प्रभावित समस्याएं हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है, उन समस्याओं को इन्होंने उठाया है। आपके जो एकांकी है नया पुराना, वो एकांकी अश्क का एक ऐसा एकांकी है कि इस एकांकी में उन्होंने मानसिक अंतर्द्वंद को रेखांकित किया है। इस एकांकी में दो मित्र होते हैं तो वो यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं, और कुछ जो मित्र हैं वो आदर्शवाद की बात करते हैं। तो एक जो नाटक है इसके कथानक में एक पात्र है, आदर्शवादी पात्र की रचना की गई है, देवचंद उसका नाम है, और वो एक आदर्शों को लेकर जीता है। वो एक सामान्य शिक्षक है, निष्ठावान है, ईमानदार है, और वो अपने इन सब आदर्शों को अंत तक निभाते हुए हमें दिखाई देता है। उसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है जिसकी माँ देवीचंद पे बहुत विश्वास करती है, और बतौर वो अमानत के तौर पर गहने, अपने गहने उनके पास रख देती है कि मुझे ये आप रख लीजिए, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। तो एक उसका मित्र और होता है रविदत्त, वो देवदत्त से अपनी पत्नी के लिए जो छात्रा की माँ ने गहने दिए थे उनमें से कुछ गहने मांग लेता है, और वो कहता है कि मैं तुमको ये वापस लौटा दूंगा। लेकिन जो देवदत्त है, देवचंद है, वो उनको गहने देना नहीं चाहता रविदत्त को, और वो कहता है कि मैं बिना लिली की माँ को पूछे ये गहने आपको नहीं दे सकता। तो देवदत्त जैसे भी करके उसको मना करता है, लेकिन फिर भी जो रविदत्त है वो गहने उससे ले लेता है, और अंत में वो उसको कहता है कि मैं ये गहने नहीं लौटाऊंगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम भी उसके गहने ना लौटाओ, तुम्हारे हाथ में एक बार ये आ गए हैं तो इनको लौटाना कौन सी समझदारी है। अब यहाँ पर जो नया पुराना है कि आदर्शवादी है, किसी के गहने रखने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उन गहनों को हड़प जाएं या खा जाएं। हमारा जो मानस है, हमारा जो एक तरह से जमीर है, हमारे आदर्श है, हमारी जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देवचंद मानता है। लेकिन रविदत्त इसका उल्टा है, वो कहता है कि नहीं, ये कोई आदर्श की बातें इस ज़माने में चलने वाली नहीं है, अब तो आधुनिक ज़माना हो गया है, तो ये गहने सारे तुम उसको मत लौटाओ और तुम रख लो। वो जैसे भी करके देवचंद रवि दत्त से लिली की माँ के गहने वापस ले लेता है, और बाद में वो लिली की माँ को बुलाता है और वो कहता है कि मेरा खुद का मन बेईमान हो रहा है, इसलिए मैं आपके गहने लौटा देना चाहता हूँ, और वो कहकर चुपचाप उन गहनों को लौटा देता है। यहाँ पर लेखक एक चुपचाप बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ये प्रश्न उठाता है कि नाटक यथार्थवादी तो नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी संभव नहीं है, आडंबर सी लगती है, और ये आधुनिकता का तकाजा भी नहीं है कि हम ऐसा करें। तो ये है कि जीवन का जो यथार्थ है, उस जीवन के यथार्थ में कि इतना कुछ उन्नत आदर्शवाद क्या रह सकता है। तो ये अश्क ने प्रश्न उठाकर
छोड़ दिया है। पुराने मूल्यों की बलि देकर हम नए मूल्यों को स्वीकार करें तो इसका क्या कोई अर्थ होता है? शायद नहीं, और शायद क्या बिल्कुल नहीं। हमें अपनी ईमानदारी, अपने आदर्श छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें अंतर्द्वंद चलता है। व्यक्ति के सामने बहुत परिस्थितियां और मजबूरियां होती है कि वो उन आदर्शों को निभाए या आधुनिकता को देखते हुए वो उन चीज़ों को भूल जाए। तो ये जो अंतर्द्वंद है वो अश्क के नाटकों में, एकांकियों में चलता है। और अश्क ये उभारना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो जीवन है इसमें आदर्श और यथार्थ की लड़ाई होती रहती है। हम भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें उचित नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इतने संघर्षों से और इतनी कठिनाइयों से धीरे धीरे भरने लगा है कि आदर्श का दम घुटता जा रहा है। आदर्शवादी रहकर पेट नहीं भरा जा सकता, एक ये भी कहावत चल पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदर्शवादी आप ना रहे, लेकिन कम से कम आप बेईमान ना बने। तो हमारे मनों का जो अंतर्द्वंद है, हमारी भावनाओं का जो अंतर्द्वंद है कि किस तरह से एक व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने आदर्श को छोड़ देता है। वो चाहता नहीं है कि अपने आदर्श छोड़े, वो बेईमान बने, लेकिन फिर भी अनचाहे ही उससे वो आदर्श छूट से चले जाते हैं। पुराने मूल्य धीरे धीरे बदल रहे हैं। पुराने मूल्यों का अब नई पीढ़ी उतना सम्मान नहीं करती है। उनको लगता है कि ये पुराने मूल्यों से जीवन नहीं चल सकता है। पुराने मूल्य अब किसी काम के नहीं हैं। लेकिन मूल्य मूल्य होते हैं, वो पुराने और नए नहीं होते हैं। नए और पुरानी हमारी सोच होती है, हमारा एक दृष्टिकोण होता है कि हम किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को देख रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए वही बहुत अमूल्य हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ये सब निर्भर करता है हमारे सोचने के दृष्टिकोण के ऊपर, हमारी पारिवारिक स्थितियों के ऊपर, हमारी सामाजिक स्थितियों के ऊपर, हमारे जीवन जीने के ढंग के ऊपर। जो चीज़ हमारे लिए आदर्श है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। एक शिक्षक के लिए उसका पढ़ाना, बच्चों को उचित शिक्षा देना और अब ही उसका एक आदर्श है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति के लिए शिक्षा देना कोई आदर्श हो नहीं हो या आवश्यक नहीं है। इसलिए उपेंद्रनाथ अश्क के जितने भी एकांकी है, उन एकांकियों में इन्होंने जीवन के संघर्षपूर्ण और जो द्वंद है उनका यहाँ पर वर्णन किया है। जो शोषित वर्ग है उसकी वेदनाओं का, कुलसित वर्ग है उसकी वेदनाओं का, जो वर्ग दबा हुआ है समाज में उनकी वेदनाओं का जो वर्णन है उपेंद्रनाथ अश्क ने किया है। तो यहाँ पर एक सवाल अश्क छोड़ जाते हैं कि पुराने मूल्यों की बलि देकर नए का स्वीकार क्या अर्थ रखता है? तो एकांकी बहुत रोचक है और संदेश पूर्ण है। ये संदेश देता है हमको कि हमें अपने आदर्श, अपने मूल्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एकांकी आप पढ़ लीजिए, नया पुराने एकांकी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। और एकांकी के जो प्रमुख तत्व है वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, नोट्स भी डाले थे व्हाट्सएप पे। एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं वो सब मैंने आपको बताए थे, और एकांकी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी आप एक एक एकांकी पढ़ते हुए चलिए। एक एकांकी हमारा हो चुका है, दूसरे एकांकी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस एकांकी को आप पढ़ लीजिए, नया पुराना एकांकी। आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ समझ में भी आएगा। धन्यवाद।